नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube के चैनल दिनेश हेल्थ में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, आप जो है अनचर गर्भ जो है कैसे गिरा सकते हैं, वो भी घरेलू नुस्खों को आजमा के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अनचाह गर्भ जो है, आप 2 महीने तक की जो प्रेगनेंसी है उसको जो है आप जो गवर्नमेंट के रूल है उसके हिसाब से जो है आप उसको जो है गर्भ को गिरा सकते हैं। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर आपके पास रीजन है अच्छा सा तो ही आप ऐसा कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है आप जो है बिना कुछ रीजन किए ही आप जो है उसको गिरा दें, तो ये जो है लॉ के अगेंस्ट है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपके जो है माँ बच्चे को कुछ खतरा हो रहा है आपके गर्भ से, या आपका गर्भ जो है मैच्योर नहीं हुआ पूरा, तो जो है गवर्नमेंट के हिसाब से जो है आप उसको गिरा सकते हैं। लेकिन आजकल का जो कल्चर हो गया है ऐसा कि आजकल वेस्टर्न कल्चर हो गया है, तो उसके हिसाब से दोस्तों ये समस्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी हैं। लोग जो हैं इसको थोड़ा मजाक में लेने लगे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो है एकदम मजाक नहीं, आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा जो है बार बार करना जो है आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। जो है सबसे पहले मैं आपको नुस्खों के बारे में बता देता हूँ। अगर आप दोस्तों आपने ठान ही लिया है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो इसके लिए जो है आप कुछ घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो नाम आता है सबको पता है, पपीता। दोस्तों पपीता जो है आप जो है कच्चा भी खा सकते हैं उसको और पका हुआ भी खा सकते हैं, लेकिन जो कच्चा पपीता है उसमें जो है आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। कच्चे पपीते के अंदर जो है एक सफ़ेद दूध निकलता है जिसको लेटेक्स बोलते हैं। वो दोस्तों लेटेक्स जो है आपके जो है यूट्रस के अंदर, आपके गर्भाशय के अंदर सिकुड़न पैदा करता है, सिकुड़न पैदा करता है, जिससे आपका जो है गर्भ धारण जो हुआ है आपका वो टर्मिनेट हो जाता है। इसके अलावा इसमें एक पेपेन एंजाइम भी होता है। पेपेन एंजाइम जो है प्रोजेस्टेरोन को जो है बढ़ने में जो है रोकता है। आपके शरीर के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है हार्मोन बढ़ते हैं तो प्रेगनेंसी के टाइम, तो ये पेपेन करता है जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसको जो है रोक देता है, उसकी ग्रोथ नहीं होने देता, जिससे जो है आपका जो है एस्ट्रोजन जो है बढ़ जाता है, उससे जो है आपका एबॉर्शन हो जाता है। तो पपीता जो है दोस्तों आप उसको कंसिडर करें, पपीता खाएं। तो पपीते से जो है आपका दोस्तों जो है आपका कच्चा पपीता जो है आप खा सकते हैं, उससे जो है आपका गर्भाशय में जो संकुचन होकर आपका जो है गर्भ हट जाएगा। उसमें दोस्तों आगे बात करें तो पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल जो है दोस्तों पाइनएप्पल हरा और कच्चा जो है आप लें। एक पीला जो भी होता है पाइनएप्पल, पीला का मतलब है वो पका हुआ है, तो आपको कच्चा और हरा पाइनएप्पल लेना है। इसमें जो है दोस्तों प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है और एक बोमेलिन जो है एंजाइम होता है। प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम है वो पीले में पाया जाता है और ब्रोमेलिन जो एंजाइम है वो हरा जो पाइनएप्पल होता है, स्किन हरी होती है जिसकी, जो कच्चा होता है उसमें पाया जाता है। दोस्तों ये जो दोनों जो है पीला या हरा कुछ भी आप जो है पाइनएप्पल लेंगे, तो ये इसका काम है ये आपके शरीर के जो अंदर प्रोटीन डेवलप हो रहा है उस प्रोटीन को जो है तोड़ देता है, दोस्तों जो है ये आपकी 10 वीक की जो प्रेगनेंसी है उसको आराम से टर्मिनेट कर सकता है। तो आप जो हैं 2 से 3 जो है हरा पाइनएप्पल जो है आप एक दिन में खा सकते हैं, तो उससे जो है आपकी जो प्रेगनेंसी हुई है उसको टर्मिनेट करने में काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो है पाइनएप्पल का मैंने आपको बता दिया, अभी बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी मतलब दोस्तों जो विटामिन सी वाले प्रोडक्ट हैं जैसे नींबू है, इसके अलावा जो है संतरा है, ये जो है दोस्तों पपाया है, पाइनएप्पल है, इसमें भी जो है विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी जो है दोस्तों आप इसके सप्लीमेंट भी जो है इसको खा सकते हैं, सप्लीमेंट भी ले सकते हैं इसके। लेकिन जो है इसके सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके ही लें। ज़्यादा जो है विटामिन के सी के सप्लीमेंट आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो आप डॉक्टर से पहले एक बार कंसिडर कर लें आपको कितना लेना है, उसके हिसाब से आप जो है उसका कंज्यूम कर सकते हैं। तो विटामिन सी दोस्तों क्या करेगा, इसका अगर ज़्यादा सेवन करते हैं तो ये आपके एस्ट्रोजन को बढ़ाता है और प्रोजेस्टेरोन को घटाता है। वही सेम प्रोसेस है आपके जो है पपीते वाला,
ये जो है आपके एस्ट्रोजन को बढ़ा देता है और प्रोजेस्टेरोन को जो है घटा देता है, तो उससे आपकी जो है प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। अगला जो नुस्खा दोस्तों वो है तिल, सीसम सीड्स। तिल सभी ने सुना होगा आपके, और सर्दियों में बहुत लोग खाते हैं तिल को। तो तिल को जो है दोस्तों प्रेगनेंसी अगर टर्मिनेट करनी है तो उसके खाने का ही स्पेशल तरीका है। आप जो है तिल को रात को पानी में भिगोना है और सुबह जो है उसको तिल को जो है खाली पेट जो है आपको खाना है। ऐसा जो है आप 15 से 20 दिन या ज़्यादा ज़्यादा महीने तक करें तो महीने भर में जो आपको इसका ज़रूर रिजल्ट मिल जाएगा। आपके जो है पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। आगे बात करते हैं दोस्तों, बबूल की फली है और इसमें जो है बबूल की फली और पपीते के पत्ते। आप जो है बबूल की पत्ती फली ये देख रहे हैं और ये जो है आप पपीते का पत्ता देख रहे हैं। इसको दोस्तों आपको क्या करना है, सुखाना है। इसको सुखा कर आपको जो है पाउडर बनाना है। पाउडर बना के इसमें जो है शक्कर थोड़ी मिलानी है और गर्म पानी लेना है। तो शक्कर को है जो है गर्म पानी में घोल दीजिए, उसके बाद जो है इसका पाउडर डाल के आपको पीना है। ये दोस्तों बहुत अच्छा काम करता है आपकी प्रेगनेंसी को जो है टर्मिनेट करने में। इसके अलावा दोस्तों हैं कपास, आपने देखा होगा कपास। कपास का जो पौधा है उसकी जड़ है, तो आपको जड़ की छाल लेनी है दोस्तों। इसका जो है पहले से बहुत ज़माने से इस्तेमाल हो रहा है। इसका जो है आपके फर्टिलिटी जो है ठीक करने में आपके जो है कपास के जड़ की छाल का जो है बहुत से उपयोग सालों से किया जा रहा है। और आपके जो पीरियड जो है इरेगुलर हो जाते हैं या पीरियड के दौरान जो है आपके जो है दर्द ज़्यादा होता है, तो उसको भी जो है अच्छे से वो ठीक करता है। ये पौधा आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप कपास के जो जड़ की छाल ले रहे हैं, वो पौधा एक तो आपको सबसे पहले केमिकल वाला नहीं होना चाहिए, मतलब यूरिया डीएपी वाला पौधा नहीं होना चाहिए। उसमें जो है ये गुण नहीं होते हैं जो वो नेचुरल वाले में होते हैं। और पेस्टिसाइड्स भी नहीं होने चाहिए, पेस्टिसाइड जो छिड़कते हैं पौधे के ऊपर वो वाला पौधा भी नहीं होना चाहिए। आपको शुद्ध गोबर के खाद वाला पौधा ही चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक और नुस्खा लास्ट नुस्खा रहा है दालचीनी का, जो आप सभी जानते हैं आपके जो है खाने में रोज़ यूज होता है। आपके सब्ज़ी वगैरह बनाने में दालचीनी का ज़रूर यूज होता है। तो दोस्तों दालचीनी को जो है आपके गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में लेना है तो ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर आप जो है इसको प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग दिनों में ले रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। इससे अगर आप ज़्यादा प्रेगनेंसी के टाइम ले रहे हैं तो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहती है ये। इसका काम भी यही सेम है, ये आपके जो है यूट्रस गर्भाशय में जो है क्रैम्पिंग पैदा करती है, संकुचन पैदा करती है, जिससे ब्लीडिंग होकर आपकी पीरियड जो है उपयोग आ जाते हैं। इसका इस तरह उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसको ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, ये बहुत गर्म होती हैं, तो इसका उपयोग जो है आपको लिमिट मात्रा में ही करना चाहिए। ज़्यादा उपयोग दोस्तों इसका अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये कुछ दोस्तों नुस्खे थे। मैं आपको एक सावधानी ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो नुस्खे हैं आपने सुने हैं, ये सब जो नुस्खे दोस्तों ये आप ऐसा मत समझिए कि परमानेंटली क्योर करने वाले नुस्खे हैं। इसमें जो है दोस्तों कुछ अपवाद भी हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि सब जो हैं आपके 100% कारगर होते हैं। सबका बॉडी टाइप अलग होता है, तो सब में अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं। तो मतलब आप मान लीजिए 90% इसके जो हैं, मतलब 90% इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, 90% इफ़ेक्टिव है। और इसमें एक और है, अगर आपकी आप कुछ ये होम रेमेडी ट्राई कर रहे हैं और इसमें कुछ आपकी ब्लीडिंग वगैरह हो जाती हैं, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती हैं, तो उसके बाद भी जो है दोस्तों मैं ये आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप जो है एक सोनोग्राफी ज़रूर करवा लें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा जो है फीटस जो होता है, भ्रूण जो होता है, वो पूरा बाहर नहीं निकल पाता है। उसके कुछ अंश जो हैं, मांस के टुकड़े, वो जो हैं यूट्रस में रह जाते हैं, जो है आपके इन्फेक्शन का कारण हो सकते हैं और बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है आपको। और आगे जो आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो उसमें भी जो है आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों इसमें जो है अनचाही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए मेडिकल में जो है एलोपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ भी आती हैं, जैसे अनवांटेड किट आता है, मिसोप्रोस्टोल टेबलेट और जो है टेबलेट वगैरह उसमें आती है। तो
मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहे हैं तो बात अलग है, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ उस चीज़ को। वो बहुत ही शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है दोस्तों। उसमें हाई डोज के हार्मोन्स होते हैं जो आपके जो शरीर में शरीर के जो हार्मोन देते हैं उसको इम्बेलेंस कर देते हैं, तो उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप जो है ये इफ़ेक्टिव तरीके जो हैं ये ट्राई कर लीजिए। इससे भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए। आप डॉक्टर जो आपका कहे, आपके DNC करें या जो भी आपको टेबलेट वगैरह दें, वो सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से जो कुछ था मैंने सब कुछ बता दिया आपको। कुछ भी सवाल सुझाव हो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर करूँगा। ऐसे ही दोस्तों आप अपना प्यार बनाए रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई वीडियो में।